नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा पिछली बार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि गोचर कैसे देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पत्रिका का फरियत करने के लिए, किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन करने के लिए गोचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस गोचर खत्म करते करते मैं कहा कि दो या तीन, या मतलब मिनिमम तीन और मैक्सिमम चार पार्ट तो बन सकते हैं, तो आज उसका सेकेंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे आपको आगे जहां तक पहले पढ़ाया है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो काइंडली इस लेक्चर का पहला पार्ट, 50 का पहला पार्ट देख लें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। आज मैं आपको सीधा दूसरे पार्ट पर लेके जाता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। मैं प्रेजेंटेशन इस पर लगा लेता हूँ, देखने में इसमें अच्छा रहेगा। अभी मैंने आपको गोचर के बारे में जो पहले चैप्टर में पढ़ाया था, मैं उसके उससे आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ इस चीज को। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि गोचर आपके, इसको ऊपर कर देता हूँ फोटो को तो ध्यान से दिखाई देगा। देखिए गोचर जो है कैसे देखते हैं, गोचर दिखने के बहुत तरीके हैं। एक मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियो में आपको कि जन्मकालीन चंद्रमा से भी गोचर देखा जाता है। जन्मकालीन चंद्रमा से यानी आपकी कुंडली में जो आपका D1 चार्ट है उसमें चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि को लगन बना के गोचर अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि जन्मकालीन चंद्रमा से आज बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहा है, आज शुक्र कहाँ गोचर कर रहा है, आज शनि कहाँ गोचर कर रहा है, अंतरदशानाथ, पितंतरदशानाथ, महादशानाथ, इनके गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गुरु शनि का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। तो चंद्रमा से गोचर किन किन भावों में किन किन ग्रहों का अच्छा होता है वो एक फलदीपिका में 26वां अध्याय है, काइंडली आप वहां से उसको देख लें। मैंने उसको, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, मैंने उसको यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन उसमें देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे सूर्य का, राहु का, केतु का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से 3, 6, 10 और 11 भावों में अच्छा होता है, मंगल और शनि का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से 3, 6 और 11 भावों में अच्छा होता है, तो इस तरीके से बृहस्पति का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से 2, 5, 7, 8, 9 भावों में अच्छा होता है। ऐसे ही इसमें दिया हुआ है कि चंद्र का चंद्र से गोचर, चंद्र का सूर्य से गोचर, चंद्रमा का गोचर, डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से किस किस भाव में अच्छा होता है वो उस भाव में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप उस भाव को फलदीपिका से पढ़ें। मैं आपको फिर दोबारा से कहता हूँ कि फलदीपिका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, उसको कभी पढ़ना ना भूलें, उसको जरूर पढ़ें। ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसा ज्योतिष के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका अर्थ या जिसका आंसर आपको वहां से ना मिले। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये पढ़िए, एक दूसरी पढ़ सकते हैं आप बृहत पाराशर होरा शास्त्र, दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होता है स्पेशल ट्रांजिट, डाइवोर्स होगा या नहीं इस तरह से बात करते हैं, वो स्पेशल ट्रांजिट भी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो कि शादी होगी तो कब होगी, टाइम निकालते हैं उसमें, एग्जैक्ट टाइम निकालते हैं। पिछले बार थोड़ा हिंट दिया था मैंने कि लग्नेश को फिक्स करके भावेश घुमाइए, भावेश फिक्स करके लग्नेश घुमाइए, वो स्पेशल ट्रांजिट होता है, उससे देखते हैं कि डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, या शादी होगी या नहीं होगी, संतान होगी तो कब होगी, वो सब चीजें उस चीज से देखी जाती है। फिर देखा जाता है सभी लग्नों से, मतलब क्या है कि हर ग्रह जहां स्थित है, जो भी ग्रह ग्रह जहां स्थित है उसको लगन बना लीजिए हर ग्रह, और बाकी ग्रहों का गोचर देखिए उसके हिसाब से कैसा है। अच्छा, अब ग्रह के हिसाब से ग्रहों का गोचर के बारे में तो दिया नहीं है, जन्मकालीन चंद्रमा से तो गोचर के बारे में दिया हुआ है कि जन्मकालीन चंद्रमा से बृहस्पति गोचर 2, 5, 7, 8, 9 भावों में अच्छा होता है, लेकिन जन्मकालीन सूर्य से बृहस्पति का गोचर किस भाव में अच्छा हुआ ये तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो वो कैसे देखे। अगर आपको कुंडली में देखना पड़ जाए कि जन्मकालीन बृहस्पति से सूर्य का गोचर कहाँ है, सूर्य गोचर में कैसा गोचर है सूर्य का, तो वो आपको कैसे मालूम चले। देखिए बृहस्पति क्या है, बृहस्पति संतान का कारक है, बृहस्पति पुत्र कारक है। आप जस्ट एक देख सकते हैं कुंडली के अंदर कि जन्मकालीन बृहस्पति जहां, यानी D1 चार्ट में जहां बृहस्पति आपकी जिस राशि में है
उसको लगन बना के गोचर देखिए, और बृहस्पति से गोचर देखिए सूर्य का गोचर का। तो सूर्य गोचर देखने के लिए क्या देखें, सूर्य गोचर में देखने के लिए सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग देखिए। अष्टक वर्ग जैसे हमारे चार्ट्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट भिन्नाष्टक वर्ग होते हैं, सूर्य का अलग, चंद्रमा का अलग, मंगल का अलग, बुध का अलग। तो सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग देखिए, जब भी हम किसी भाग ग्रह का गोचर देखते हैं तो उसका भिन्नाष्टक वर्ग देखते हैं। तो सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग देखें और उसमें ये देखें कि सूर्य जन्मकालीन बृहस्पति से कहां कहां पे पॉइंट दे रहा है, किस राशि में पॉइंट दे रहा है। तो जिस राशि में पॉइंट दे रहा है इसका मतलब उस राशि में सूर्य बृहस्पति से जब जाएगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। आई रिपीट, जन्मकालीन बृहस्पति से सूर्य का गोचर कैसा है ये हमें देखना है। किसी भी ग्रह से हम किसी भी ग्रह का गोचर देख सकते हैं। तो जन्मकालीन बृहस्पति से सूर्य का गोचर कैसा है, तो सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग देखिए, सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में देखिए कि बृहस्पति से सूर्य ने किस किस राशि में पॉइंट दिए हैं। सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में बृहस्पति, जन्मकालीन बृहस्पति से सूर्य ने कहां कहां पॉइंट दिए हैं, किस राशि को पॉइंट दिए हैं। तो जिस जिस राशि में पॉइंट दिए हैं उस राशि में जब सूर्य जाएगा जन्मकालीन बृहस्पति से, तब तक वो अच्छे फल करेगा, अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये एक गोचर होता है जो डिफरेंट ग्रहों से भी देखा जाता है। अब मैं आपको इससे नेक्स्ट बताता हूं कि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप खड़े हुए हैं कहीं पे, आपके आपके पास से कोई ऐसी बैड स्मेल निकल जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए तो वो आप पे असर जरूर डालती है। मतलब आपको थोड़ा कम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं आप, कोई भी चीज जो आपके सामने घटित हुई है वो आप पे कहीं ना कहीं असर जरूर डालती है, चाहे वो नेगेटिव रूप से डालती हो या पॉजिटिव रूप से डालती हो, असर तो जरूर डालती है। तो इसी प्रकार से राहु केतु का गोचर किसी भी शुभ ग्रह के ऊपर से होगा तो वह उस भाव, उस ग्रह के भावों की हानि करेगा। ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि गोचर में देखिए कि राहु और केतु कहां गोचर कर रहे हैं। आप लग्न से गोचर बना लीजिए कुंडली में, एक आपका D1 चार्ट है जो कन्या लग्न से है, एक आपका गोचर चार्ट है उसको भी कन्या लग्न से आप बना लीजिए, फिर देखिए कि राहु और केतु कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं। मान लिया राहु गोचर कर रहा है पांचवें भाव में गोचर, और इधर D1 चार्ट में पांचवें भाव में आपका बृहस्पति है, इसका मतलब राहु बृहस्पति के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो राहु या केतु अगर बृहस्पति के ऊपर से गोचर करेंगे तो बृहस्पति जिन भावों का स्वामी है आपके D1 चार्ट में उन भावों की हानि होगी, ये आप ध्यान रखिए। तो आप अचानक सोचते हैं कि भाई ये बृहस्पति की तो दशा भी नहीं आई है लेकिन भावों की हानि क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रही है बृहस्पति के जो भाव हैं, क्योंकि राहु गोचर में बृहस्पति के ऊपर से गोचर कर रहा है। बृहस्पति मतलब आपके जन्मकालीन बृहस्पति के ऊपर से, जहां जब जन्मकालीन बृहस्पति है, अगर जन्मकालीन बृहस्पति आपका पांचवें भाव में बैठा है तो राहु भी लग्न से गोचर में, लग्न से जो कुंडली बनाई है वहां से पांचवें भाव में गोचर कर रहा है। तो ये केवल राहु केतु के लिए नहीं, किसी भी पाप ग्रह के लिए है। यानी कोई भी पाप ग्रह अगर जन्मकालीन शुभ ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा तो वहां उसके भावों की हानि होगी। इसका उल्टा भी होता है। D1 चार्ट में मान लिया आपका राहु बैठा हुआ है किसी भाव में और बृहस्पति गोचर में, D1 में राहु मान लिया छठे भाव में बैठा है और बृहस्पति भी गोचर में छठे भाव में आ जाए, क्योंकि हमने दो चार्ट बनाए हुए हैं, एक D1 चार्ट एक लगन चार्ट, गोचर चार्ट। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपको D1 चार्ट बनाना है जिसमें आपको कन्या लग्न मान लिया आपका है या मकर लग्न है, कोई भी लग्न हो सकता है, फिर आपको एक गोचर का चार्ट बनाना है, उसमें आपको जो D1 चार्ट का लग्न है उसी को लग्न बना के वो गोचर चार्ट बना लीजिए। अब आप ये देखिए कि D1 चार्ट में राहु कहां बैठा है। D1 चार्ट में राहु बैठा है सपोज कीजिए छठे भाव में, और गोचर के चार्ट में बृहस्पति भी छठे भाव में मान लिया आ रहा है, तो इसका मतलब बृहस्पति राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो बृहस्पति जब राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है तो होगा क्या कि राहु जिस भाव, राहु जहां बैठा है उस भाव के फल तो अच्छे हो जाएंगे लेकिन बृहस्पति के फल में कमी आ जाएगी। जहां बृहस्पति जिन भावों का स्वामी है उनके फलों में कमी आ जाएगी लेकिन राहु के जहां बैठा है उस भाव के फल अच्छे हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। इसके विपरीत यदि शुक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए इसका,
इसके ऐसे ही हम देख सकते हैं कि गुरु की जगह अगर शुक्र ऊपर, शुक्र किसी का पाप ग्रह के ऊपर से हानि कर रहा हो तो उस भावों की वृद्धि होगी, पाप ग्रह के भाव होगी, लेकिन शुक्र की जहां भाव है उनकी हानि हो जाएगी। तो ये एक बहुत जरूरी है, और मैंने आपको एक प्रिंसिपल पहले भी बताया है, उस मैंने उस प्रिंसिपल को बार बार अपने प्रेजेंटेशन में रिपीट किया है कि हमेशा देखें कि लग्नेश और भावेश का एक्सिस कुंडली में क्या है, या भाव और अंतरदशानाथ का एक्सिस कुंडली में क्या है, ये जरूर देखना जरूरी है आपको। कि जैसे पहले बताया था कि दूसरे भाव से देखिए अंतरदशानाथ कौन से भाव में गोचर कर रहा है, दूसरे भाव से छठे भाव में गोचर कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि संघर्ष से धन मिलेगा, तीसरे भाव से छठे भाव में गोचर कर रहा है तो उसका मतलब है कि एफर्ट से, एफर्ट्स के थ्रू आप संघर्ष को निपटने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से लग्नेश व भावेश का गोचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखा जाता है किसी भी कुंडली में। जब भी आप देखें भावेश का मतलब ये हुआ कि जिस भाव के फलों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप चौथे भाव के फलों की बात कर रहे हैं तो चौथे भाव का स्वामी भावेश हो गया, आप छठे भाव के फलों की बात कर रहे हैं तो छठे भाव का स्वामी भावेश हो गया। तो मैं जो भावेश कह रहा हूं तो आप समझ जाइए कि जिस भाव की आप बात कर रहे हैं उस भाव का स्वामी। तो लग्नेश का और भावेश का एक्सिस कुंडली में जरूर देखना चाहिए, D1 में और D9 में, क्या वो 6-9 का है, 6-8 का है, 5-9 का है, 3-3-10 का, 3-11 का है या 4-10 का है, वो जरूर देखिए। कि जितना गोचर अच्छा होगा D1 में और D9 पत्रिका में, जो भी गोचर अच्छा होगा लग्नेश का और भावेश का, उतना फल आपको अच्छा मिलने की होगी। जैसे मान लीजिए आपका D1 चार्ट है, उसमें लग्नेश बनता है, सपोज कीजिए बुध कन्या लग्न का है, बुध चल लग्नेश बनता है, और लाभेश उसको मैं भावेश बोलता हूँ, 11वां भाव, 11वें भाव का स्वामी बनता है मान लिया बृहस्पति। तो हमें यह देखना है कि बुध और बृहस्पति का एक्सिस क्या है आपस में, यानी बुध से बृहस्पति कितनी दूर है और बृहस्पति से बुध कितनी दूर है। अगर दोनों के बीच में 3-11 का, 4-10 का एक्सिस है D1 चार्ट में भी और D9 चार्ट के अंदर भी, तो बहुत अच्छा है, यानी आपको लाभ मिलेगा। और अगर दोनों का एक्सिस D1 में भी और D9 में भी अच्छा एक्सिस नहीं है तो लाभ की प्राप्ति आपको नहीं होगी, आप चाहे कितना ही जोर क्यों ना लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आप लोग अक्सर सुनते हैं कि डेली की कुछ भविष्यवाणियां होती हैं कि भाई आपका दिन आज कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, ये सब भविष्यवाणी होती है। तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा कि वो कितनी सटीक होती हैं, कितनी सच्ची और कितनी अच्छी होती हैं, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैं दरअसल उनको सुनता नहीं। बट फिर भी अगर आपको डेली की भविष्यवाणी देखनी हो तो कैसे देखें, एक इसके अंदर फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है कि जो जन्मकालीन चंद्रमा है आपका कुंडली में, जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है, जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, वहां से चंद्रमा का गोचर 1, 3, 6, 7, 10, 11 स्थानों में शुरू होता है। यानी जन्मकालीन राशि से चंद्रमा का गोचर, जन्मकालीन चंद्रमा से, जन्मकालीन चंद्रमा मान लिया D1 चार्ट के अंदर बैठा है से मान लिया वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि को लगन बना लीजिए गोचर में, और लगन बना के देखिए कि चंद्रमा वहां से कौन से भाव में गोचर कर रहा है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 अगर पहले 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 स्थानों में गोचर कर रहा है तो वो शुभ होता है। तो अब माना किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वृष राशि में है, किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में है D1 चार्ट के अंदर, और वह गोचर में कर्क राशि में चल रहा है, तो वृष से कर्क कितना दूर हुआ, तो 3 नंबर हो गया, वृष मिथुन और कर्क 3 आ गया, तो 3 हुआ, तो इसका मतलब तीसरा गोचर है तो अच्छा गोचर हुआ, यानी आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपको भाई बहनों से प्यार मिलेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरा भाई तीसरा भाव उसको शॉर्ट करता है। इसी प्रकार से यदि गोचर में चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा हो, जन्मकालीन चंद्रमा की राशि से, जन्मकालीन राशि से चंद्रमा, सपोज कीजिए कि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में, और गोचर में अगर हम वृष राशि की ही गोचर बना लें और चंद्रमा देखते हैं कि 9वें भाव में गोचर कर रहा है उससे, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा का गोचर शुभ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर 1, 3, 6, 7, 10 और 11 स्थानों में शुभ होता है। तो अब क्या होगा, क्योंकि वहां शुभ नहीं है, 9वें भाव में गोचर कर रहा है, सिंपल सी बात है भाग्य की हानि होगी,
पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, धर्म के मार्ग से आप भटक सकते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बेस पे भी आप डेली प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो आपका हर 2-2.25 दिन में चेंज होता है, तो आप बता सकते हैं कि भाई आपका या जिनकी राशि ये है, ये जिनकी जन्म की राशि वृष राशि है, और आपने गोचर में देख लिया कि कहाँ पे वो वृष राशि से कहाँ पे गोचर कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि जिनकी राशि वृष है चंद्रमा उससे उस राशि में गोचर कर रहा है, तो अब उनके लिए ये वाला काम होगा, भाई बहन की वृद्धि होगी, प्यार में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, या भाग्य हानि होगी, इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये होता है तरीका गोचर से कि कैसे हम बताते हैं कि डेली की भविष्यवाणी करते हैं। इसके बाद लग्न से गोचर जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट गोचर होता है। इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बताने से इसके अंदर कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो जाएगा, तो जो मैं बता रहा हूं उसको आपको जरूर एक दो बार तो सुनना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, और जो लिखा है मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ। उसके अंदर कोशिश करूंगा कि मैं आपको ढंग से समझा सकूं, पूरी तरीके से समझा सकूं। देखिए अंतरदशानाथ और दशानाथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, जिस ग्रह की महादशा चल रही हो, वही रिजल्ट देने वाले होते हैं कुंडली के अंदर, तो उनका गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनका गोचर दो तरीके से देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं, चंद्रमा से भी देख सकते हैं। जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर कैसा है और जन्मकालीन लगन से गोचर कैसा है। फल दीपिका में लगन से गोचर के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। उसमें कहते हैं कोई भी दशानाथ, चाहे वो महादशानाथ हो या अंतरदशानाथ हो या प्रत्यंतर दशानाथ हो, यदि स्वय राशि में यानी अपनी ही राशि में, उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में, अपने मित्र की राशि में लगन से जिस भाव में गोचर करेगा, लगन से जिस भाव में गोचर करेगा उस भाव की वृद्धि होगी, उस भाव के रिजल्ट्स में वृद्धि हो जाएगी। अगर तीसरे भाव में गोचर करेगा तो पराक्रम की वृद्धि होगी, भाई बहन से प्यार मिलेगा, एफर्ट्स पे जीत मिलेगी और खेलकूद में अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगी, तो ये चीज देखने वाली इसमें होती है। तो कोई भी दशानाथ हो, जब भी किसी ग्रह की दशा होती है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि इस ग्रह की अंतरदशा है और ये ग्रह लगन से किस भाव में गोचर कर रहा है, यानी जो लगन की राशि आपकी है, जन्मकालीन लगन की राशि है, उसी को गोचर में भी लगन बना लीजिए और फिर उससे चेक कीजिए कि वो लगन से किस भाव में गोचर कर रहा है। अगर वो लगन से स्वय राशि में या उच्च राशि में या मित्र राशि में गोचर कर रहा है, जिस भाव में गोचर करेगा, मान लिया छठे भाव में गोचर कर रहा है और छठे भाव में उसकी स्वय राशि है, तो छठा भाव वैसे तो अच्छा नहीं है बट स्वय राशि है वहां उसकी, तो रिजल्ट फिर भी बुरे नहीं देगा आपको, रिजल्ट फिर भी ठीक ठाक नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी स्वय राशि में गोचर कर रहा है, उस भाव की वृद्धि करने की कोशिश करेगा, यानी आपको बीमारियों से निजात दिलाने की कोशिश करेगा, आपको दिल से निजात दिलाने की कोशिश करेगा, उस भाव की वृद्धि होगी। तो ये आप एक चीज है जो आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज ये भी है कि दशानाथ और अंतरदशानाथ यदि गोचर में लगन से शुभ भावों में गोचर कर रहे हो, शुभ भाव मतलब केंद्र में गोचर कर रहे हो, त्रिकोण में गोचर कर रहे हो, तो भी गोचर अच्छा माना जाता है। दशानाथ, आई रिपीट, दशानाथ और अंतरदशानाथ यदि लग्न से अच्छे भावों में गोचर कर रहे हो, केंद्र में या त्रिकोण में या लाभ भाव में गोचर कर रहे हो, 6-8-12 में गोचर ना कर रहे हो, 3-6-8-12 में, तो वो गोचर भी अच्छा माना जाता है। और यदि इन भावों में गोचर करते हुए वो अपनी स्वय राशि में, मित्र राशि में या उच्च राशि में आ गए तो बहुत ही शानदार हो जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस चीज के। तो दशानाथ का और अंतरदशानाथ का गोचर देखना बहुत जरूरी है कि जो आपका अंतरदशानाथ है या जो आपका महादशानाथ है वो आपके जन्मकालीन कहाँ पे किस राशि में गोचर कर रहा है, वो दिखना एक बहुत जरूरी चीज रहती है। अगर वो स्वय राशि में, उच्च राशि में या मित्र राशि में हो तो बुध गोचर करेगा तो उस भाव की वृद्धि करेगा, ये आप ध्यान दीजिए। इवन लगन से अच्छे भाव में गोचर भी करेगा दशानाथ
अंतर्धनक मान लिया बुध है, और बुध लगन से, लगन जो आपका कन्या कुंडली में है D1 चार्ट में, उसी को लगन गोचर में बनाइए। और लगन से देखिए बुध गोचर कर रहा है, सपोज कि ये नवे भाव में, तो त्रिकोण का भाव है, तो नवा भाव अच्छा भाव है, तो नवे भाव की वृद्धि करेगा। लेकिन नवे भाव में अगर स्वयं राशि में आ जाए या उच्च राशि में आ जाए या मित्र राशि में आ जाए तो बहुत वृद्धि करेगा। तो ये एक दशनाथ और दशनाथ गोचर आपको मैंने बताया। इसके आगे मैं आपको भाव सिद्धि काल जो स्पेशल ट्रांसिट है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो जब भी आप देखें तो दशनाथ और अंतर्दशनाथ गोचर लगन से भी जरूर देखें, चंद्रमा से भी देखें, अंतर्दशनाथ बुध है या बृहस्पति है तो देखिए कि जन्मकालीन चंद्रमा से कौन से स्थान पे गोचर कर रहा है। हो सकता है कि जन्मकालीन चंद्रमा से वो तीसरे स्थान पे गोचर कर रहा हो, जहां पे ही आपको तीसरे स्थान पे गोचर अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन लगन से गोचर वो शुभ कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि चीज तो आपको मिलेगी लेकिन मानसिक शांति शायद उसका ना मिल पाए आपको, आपका प्रमोशन तो हो जाए लेकिन उसका ट्रांसफर भी आपका हो जाए। तो डिपेंड करता है, क्योंकि लगन आप स्वयं हैं, चंद्रमा आपका मन है, तो लगन से जो गोचर अच्छा गोचर होगा तो इसका मतलब आपको स्वयं को अच्छी चीज मिलने वाली है। अगर चंद्रमा से भी गोचर अच्छा हो जाए तो स्वयं को भी अच्छी चीज मिलेगी, मन को भी अच्छा शांति होगी। और स्वयं का गोचर अच्छा हो जाए और मन का गोचर अच्छा ना रहे तो स्वयं को तो चीज मिल जाएगी लेकिन मन को शांति नहीं मिल पाएगी। जैसे ऐसा समझिए कि आपका प्रमोशन हुआ और साथ में कहीं आपको दूर ट्रांसफर कर दिया, घर से दूर ट्रांसफर कर दिया, तो आप कह रहे हैं यार प्रमोशन तो हुआ है लेकिन ट्रांसफर हो गया, तो शांति मतलब वो आपको खुशी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। तो लगन और चंद्रमा से दोनों से अगर अंतर दशनाथ का गोचर अच्छा हो जाएगा तो बेस्ट होगा, उसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, समझ आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आगे मैं आपको स्पेशल ट्रांजिट पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।